आलू का एक नया रेसिपी है ये, जो कि सर्दियों के मौसम में लूची के साथ, पराठा के साथ या कहीं भी पुलाव के साथ भी आप बनाकर खाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमने दो बड़ा साइज़ का आलू लिया है और ऐसे टुकड़ों में काट कर लिया है और इसे बॉयल कर लिया है। पूरा का पूरा बॉयल हमें नहीं करना है, देखिए आधा ही हमें बॉयल करना है। अगर पूरा बॉयल करेंगे तो जब हम फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएगा। फिर देखिए, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे छोटा चम्मच का, एक चम्मच, और फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम आधा छोटे चम्मच ऐड करेंगे ताकि थोड़ा कलर जो है वो अच्छा आए। फिर देखिए, हाथों की मदद से धीरे धीरे हमें सारा का सारा जो मसाला हमने डाला है वो हमें मिक्स करना है ताकि नमक, हल्दी और मिर्च जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए। ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप इसे बनाइए। ये प्योर वेज है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमने मसाला जो है मिक्स कर दिया है, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन लिया है, पैन को हम पहले हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर उसमें थोड़ा हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे क्योंकि जो ऑयल में हम फ्राई करेंगे उसी ऑयल में हम इसे पकाएंगे भी, इसलिए हमने एक बारी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल दिया है। फिर देखिए, ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम जो है हमने मीडियम कर देंगे। फिर जो आलू है फिर हम एक एक करके डालेंगे ऑयल में और हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है। देखिए, एक एक करके हम आलू जो है वो डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है, हाई नहीं रखा है। फिर देखिए, आलू जो है हमने धीरे धीरे करके डाल दिया है और फिर 5 से 7 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर देखिए, अच्छे से हम थोड़ा पलट देंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। फिर हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे। देखिए, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये जो रेसिपी है ये राधा वल्लभी लूची पराठा किसी के भी साथ आप खाइए, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके में हमने बनाया है और जल्दी जल्दी बन भी जाता है। फिर देखिए, ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म भी है, हम फिर इसमें थोड़ा खड़ा मसाला ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखा है। फिर हम थोड़ा इसमें आधा छोटे चम्मच चीनी डाला है। इसमें क्या होता है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। फिर चीनी डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स करना है ऑयल के साथ। देखिए, हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे और फिर मिक्स होने के बाद हम खड़ा मसाला जो है वो हम ऐड करेंगे। चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और फिर देखिए, हम दालचीनी डाला है और फिर 2 छोटे इलायची हमने डाला है और फिर सूखा जो मिर्च है हमने वो तोड़ के डाल दिया है। देखिए, एक सूखा मिर्च को, और थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि जो खड़ा मसाला का जो खुशबू है वो अच्छे से बाहर आ जाए। देखिए, हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे और फिर भूनने के बाद हम थोड़ा इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इसका जो खुशबू है वो बहुत बढ़िया है। आपको अगर हींग का खुशबू अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर देखिए, हम थोड़ा सा इसे भूनेंगे हींग डालने के बाद और फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। देखिए, हमने छोटा कप का 1 कप टमाटो प्यूरी ऐड कर लिया है। हमने पीस लिया है टमाटो को, ग्राइंड करके प्यूरी बना लिया है और फिर टमाटो प्यूरी डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। ये प्याज लहसुन हमने इसमें नहीं ऐड किया है। देखिए, जो वेजिटेरियन है वो इस हिसाब से बनाएंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, टमाटो प्यूरी जो है हमने ऐड कर दिया है और प्यूरी डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है और सिर्फ हमने जिंजर पेस्ट
ऐड किया है, यानी कि अदरक का पेस्ट छोटे चम्मच का एक चम्मच हमने ऐड किया है। लहसुन और प्याज हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। और फिर देखिए अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस टाइम जो है गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखा है, क्योंकि अच्छे से हमें भूनना है ताकि कच्चा मसाला का खुशबू बाहर ना आए और जो हमने मसाला डाला है वो अच्छे से पक जाए। फिर हम देखिए स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है, क्योंकि जब हम आलू को फ्राई किए हुए थे तब हम नमक उसमें डाला था, इसलिए हमने नमक थोड़ा कम डालेंगे। फिर देखिए एक बोल पे हम हल्दी पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 2 चम्मच वो कलर के लिए, और लाल मिर्च पाउडर हमने 1/2 चम्मच लिया है, और फिर जीरा पाउडर हमने लिया है 1/2 छोटी चम्मच, और धनिया पाउडर भी हमने 1/2 छोटी चम्मच ही लिया है। फिर देखिए जो हमने बोल पे सारा मसाला लिया है उसे हम थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसलिए मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला हमने डाला है जब हम डालेंगे तो ये अच्छे से घुल जाए। देखिए हम पहले से ही मसालों का एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ही हम पानी डालेंगे इसमें, और थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो मिक्स हमने बनाया है मसालों का वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए इधर पक रहा है, फिर हम उसके ऊपर जो मसाला हमने मिक्स कर दिया है वो हम ऊपर से डाल दिया है, और अच्छे से हमें मसाला को भूनना है लो फ्लेम पे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए, उसका जो खुशबू है वो अच्छे से बाहर आ जाए। फिर देखिए हम थोड़ा इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है, और पानी ऐड करने के बाद हम गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर दिया है, और फिर हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को पकाएंगे। फिर उसमें हम फ्राई किए हुए आलू को डालेंगे। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, इस तरह से अगर पकाएंगे तो उसका टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत बढ़िया आएगा। देखिए अच्छे से हम आलू को मसालों के अंदर डालने के बाद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आलू जो है आधा पक गया है, क्योंकि ये आधा बॉईल किया हुआ आलू है, फिर हम उसके ऊपर से उसको फ्राई किया हुआ था, इसलिए ये जल्दी जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर देखिए 5 से 7 मिनट के लिए हमें इस तरह से आलू को पकाना है, और ऊपर से हम थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप अपने ग्रेवी जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप नान के साथ, लूची के साथ, पराठा के साथ खा सकते हैं तो ग्रेवी थोड़ा ठीक होगा। इस तरह से जो आलू का ये रेसिपी है ये ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक होगा। फिर देखिए हम ढक्कन लगाएंगे 10 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि ये जो ग्रेवी है और भी ठीक हो जाए, और आलू जो है आधा पका हुआ वो पूरी तरह से पक जाए। देखिए इसका कलर जो है कितना बढ़िया आया है। आप इसे घर पर पकाइए, और अगर कोई मेहमान आ जाए उसे भी पकाकर खिलाइए। ये बहुत ही अच्छी डिश है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जो हमारा रेसिपी है वो पूरी तरह से पक गया है, और ऊपर से हम 1/2 चम्मच घी ऐड किया है। घी से इसका खुशबू और टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया आएगा। देखिए इसका ग्रेवी जो है ठीक हो गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर देखिए हमने ये सर्व कर लिया है, कितना बढ़िया है। अभी सर्दी का मौसम में आप अगर पराठा के साथ, लूची के साथ इसे पकाएंगे, खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये प्याज और लहसुन नहीं यूज़ किया है, उसके बिना ही आप इस तरह से पकाइए। देखिए ये डिश जो है बहुत बढ़िया है। आज का हमारा जो डिश है वो बिल्कुल रेडी है। अब देखिए पूरा का पूरा जो डिश है बिल्कुल रेडी हो गया है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर अपलोड के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।